हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इस हरजीत कौर हम कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट हमने इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म किए थे तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केमिस्ट्री का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्स्टांसिस तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज मॉड मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको माना जाता है एंटोनियो लिवाजियर को तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ये जो एंटोनियो लिवाजियर थे ये कौन थे ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे ये थे एक फ्रेंच केमिस्ट और इन्होंने जो नॉमन क्लेचर का मेथड है ना केमिस्ट्री में उसको रिवाइज किया था और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था नेक्स्ट है अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी प्योर सब्सटेंस क्या होता है प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन होती है राइट प्योर सब्सटेंस में क्या होता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक फिक्स्ड परपोर्शन में वो मिक्स्ड होते हैं फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन होती है या फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं राइट फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो मिक्स होते हैं तो प्योर सब्सटेंस आप देखो यहाँ पे एलिमेंट भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है क्यों क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है कंपाउंड में जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केमिकली मिक्स्ड होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट में सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में बोलेंगे एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं राइट right? तो प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और कंपाउंड्स भी आ जाते हैं नेक्स्ट द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स गोस टू ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जैसे कि यूरेनियम 235 होगा ये क्या है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स और इनको यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर में राइट और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है इसका क्रेडिट जाता है सिबॉक को सिबॉग यहा ऑप्शन सी में ग्लैन थियोडोर सिबॉग राइट right. ये कौन थे ग्लैंड ये कौन थे ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे राइट right. सीबॉक कौन थे एक अमेरिकन केमिस्ट थे और इनको 1951 में नोबल प्राइज भी मिला था 1951 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था राइट right. नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सॉरी द जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ की क्रस्ट में तो वो है एल्यूमिनियम नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट अब इसमें से एलिमेंट कौन सा नहीं है नॉट आ रहा है नहीं है कौन सा एलिमेंट नहीं है डायमंड डायमंड क्या है ये एलिमेंट है ओजोन ओजोन क्या है ओ थ्री ओजोन गैसेस की एक लेयर है ये एलिमेंट में नहीं आता सिलिका एलिमेंट है ग्रेफाइट ये भी एलिफेंट है आ, एलिमेंट है अब देखो डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो ये दोनों किससे बनते हैं कार्बन से बनते हैं डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है कार्बन के एलोट्रॉप्स है राइट right? तो ये क्या है ये दोनों एलिमेंट्स में आते हैं सिलिका भी एलिमेंट्स है लेकिन ओजोन लेयर की एक गैस बनी हुई है ओजोन लेयर क्या है ये एक गैसेस की लेयर है राइट जिसमें ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के तीन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती है ओजोन बनाती है नेक्स्ट है एन एलॉयो क्या होती है अलॉय क्या होती है अलॉय होमोजिनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या मेटल नॉन मेटल्स का या दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स का राइट right? तो अलॉय है क्या अलॉय क्या है होमोजिनियस मिक्सचर है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अ मिक्सचर नेक्स्ट नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कनवर्टेड इनटू एनर्जी कौन से साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैटर को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये स्टेटमेंट दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा था कि मैटर को कैसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस करते हैं राइट right? तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एफ्लोरीसेंस एफ्लोरीसेंस बोला जाता है जब सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस करते हैं राइट right? तो इसके अलावा दो ऑप्शन और है हाइग्रोस्कोपी एंड डेलीक्यूसेंस हाइग्रोस्कोपी क्या होता है हाइग्रोस्कोपी होता है जब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब किया जाता है अब्जॉर्ब मॉइस्चर हाइग्रोस्कोपी में क्या होता है मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता है डेलिक्यूसेंस में क्या होता है इसमें भी वाटर अब्जॉर्ब होता है इसमें तब तक वाटर अब्जॉर्ब होता है जब तक वो खुद डिजॉल्व होकर सोल्यूशन फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक जो वाटर है इसमें डिजॉल्व होता रहता है राइट right? तो हमारा जो राइट right आंसर है वो क्या है अफॉलरी सेंस नेक्स्ट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वॉज इनांसिएटेड बाय लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ये किसने दिया था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने राइट right? ये कौन थे जोसेफ प्राइस्ट ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे

ट इसमें क्या होता है इसमें सिक्स प्रोटोन्स होते हैं सिक्स प्रोटोन्स होते हैं और सिक्स होते हैं न्यूट्रॉन्स राइट नेक्स्ट द सबस्टांसिस दैट आर कंपोज ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास आर कॉल्ड अब देखो इसमें क्या है फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिक्स हो रहे हैं टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स अब जब फिक्स प्रपोर्शन में कैमिकली कंबाइन होते हैं कोई भी कम जो सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं राइट फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली मिक्स अप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन मिक्सन जो मिक्सचर होता है मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता और ये जो मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकली भी अलग कर सकते हैं वो फिजिकली भी मिक्स अप हुए होते हैं केमिकल तो होते ही है सॉरी uh, मिक्सचर में केमिकली नहीं होते कंपाउंड में केमिकली वो मिक्स होते हैं नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू इक्विवलेंट वेट और वैलेंसी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट वेपर डेंसिटी क्या होती है वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वेपर इन रिलेशन टू हाइड्रोजन डेंसिटी ऑफ वेपर इन रिलेशन टू हाइड्रोजन स्पेसिफिक हीट क्या होती है स्पेसिफिक हीट होती है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टू द टेंपरेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू वन डिग्री सेल्सियस उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट मॉलिकुलर वेट क्या होता है मॉलिकुलर वेट होता है सम ऑफ अटोमिक वैल्यू ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के अटोमिक वैल्यू का जो सम होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट नेक्स्ट है एयर इज एयर क्या है एयर कंपाउंड है एलिमेंट है मिक्सचर है सॉल्यूशन है क्या है एयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है एयर नेक्स्ट विच वन इज द प्योर एलिमेंट प्योर एलिमेंट कौन सा है ग्लास सीमेंट सोडियम सोडियम क्या है प्योर एलिमेंट है ग्लास की अगर हम बात करें ग्लास क्या होता है ग्लास होता है एक तरह का सिलिका सिलिका सैंड सैंड से बनता है ग्लास तो ग्लास को कैसे लिखते हैं एस आई ओ टू सीमेंट सीमेंट जो है ये भी अलग अलग एलिमेंट्स का बनता है सीमेंट में जो मेजोरिटी में होता है लाइमस्टोन एंड क्ले तो सीमेंट को कैसे लिखा जाता है सी एओ ए एल टू ओ थ्री एन एक्स एच टू ओ नेक्स्ट विच वन इज द कंपाउंड इन द फॉलोइंग मर्कुरी ओजोन एयर अमोनिया इसमें से कंपाउंड कौन सा है तो कंपाउंड है इसमें अमोनिया एन एच थ्री एक हाइड्रोज एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन इनको मिला के बनता है अमोनिया मर्कुरी क्या होता है एच जी एयर क्या है एयर अलग मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का इसमें तो बहुत सारी गैसेस होती है एयर में तो डायमंड डायमंड क्या है डायमंड कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है कार्बन एक एलिमेंट से ही बना होता है तो ये क्या है डायमंड एक एलिमेंट है डायमंड बनता है डायमंड कैसे तैयार किया जाता है ये एलिम जो डायमंड एलिमेंट है ये अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर तैयार होता है जो डायमंड होता है नेचुरल फॉर्म में होता है जैसे तो नेचुरल तो फॉर्म में जो डायमंड तैयार होता है ये होता है अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कितना टेम्परेचर चाहिए डायमंड के लिए सिक्सटीन थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए सिक्सटीन थाउजेंड सॉरी सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक का इसके लिए टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर कितना चाहिए जो सरफेस पे नॉर्मल प्रेशर होता है उससे फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है डायमंड बनने के लिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉस डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डायरेक्टली कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है तो वो है एवोग लॉ नेक्स्ट द एम के एस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एम के एस सिस्टम क्या है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम और ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको इंट्रोड्यूस किया था जो वानी जॉर्जी ने ये कौन थे ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे राइट इन्होंने दिया था एमकेएस सिस्टम जो कि एसआई यूनिट है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर डिस्टिल्ड वाटर गैसोलीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अब देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना ये मिक्सचर नहीं होता डिस्टिल्ड वाटर में जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकाल दी जाती है तो ये बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही इसमें होता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में गैसोलीन ये मिक्सचर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये भी मिक्सचर है तो आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी नेक्स्ट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैपथलिन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन सब्लिमेशन क्या होता है सब्लिमेशन में सॉलिड्स को डायरेक्टली गैसेस में चेंज किया जाता है जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है इसमें सॉलिड्स डायरेक्टली गैसेस में चेंज होते हैं तो नेपथलिन बॉल्स क्या है ये सॉलिड फॉर्म में होती है और डायरेक्टली गैसेज फॉर्म में इनको चेंज कर दिया जाता है अंडर अंडर हीट राइट जब इसको हम गर्म करते हैं जैसे अब सैंड और नेपथथलिन का मिक्सचर है तो इसको हम जैसे ही फ्लास्क में डाल के गर्म करेंगे तो नेपथालीन क्या होगी नैपथालीन गैसियस फॉर्म में बन जाएगी और ये फ्लास्क की जो साइड्स है उस पर चिपक जाएगी और सैंड जो है वो सेंटर में रह जाएगी राइट right? नेक्स्ट है वन ए एम यू इज इक्वल्स टू वन अटोमिक मास यूनिट ये किसके इक्वल होता है माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ मेटल इसमें से मेटल कौन सी नहीं है सल्फर मेटल नहीं है शुगर ये भी मेटल नहीं है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनती है नाइट्रोजन ये भी मेटल नहीं है गैसेस फॉर्म में होती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल नेक्स्ट है मिल्क इज मिल्क क्या है मिल्क एक मिक्सचर है मिल्क वाटर एंड इसमें बहुत सारी फैट्स होती है उनका मिक्सचर है और ये कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता अलग अलग इसकी कम्पोजिशन होती है राइट right? कम्पोजिशन uh, ही बोलेंगे प्रोपोर्शन अलग अलग प्रोपोर्शन में वाटर और फैट्स जो है वो मिक्स होते हैं तो मिल्क क्या हो गया मिक्सचर राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे